वेलकम स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी में आज पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसमें आज पढ़ेंगे व्हाट इज इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोलॉजी टर्म जर्मन बायोलॉजिस्ट हिकेल की द्वारा 1869 में दिया गया। इकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स ओइकोस एंड लोगोस से मिलकर बना है। आइकोस का मीनिंग हाउस जबकि लोगोस का मीनिंग स्टडी है। इस प्रकार इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट में ही स्टडी करना है, या दूसरे शब्दों में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को ही इकोलॉजी कहते हैं, या इकोसिस्टम की स्टडी को ही इकोलॉजी कहा जाता है। इकोसिस्टम टर्म 1935 में टेंसले के द्वारा प्रपोज किया गया था। इकोसिस्टम इको एंड सिस्टम से मिलकर बना है। इकोसिस्टम में इको का मीनिंग है एनवायरनमेंट, जबकि सिस्टम का मीनिंग है इंटरेक्टिंग, इंटरडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार इकोसिस्टम एनवायरनमेंट के लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर से मिलकर बना हुआ है। इकोसिस्टम बायोस्फीयर की ऐसी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट होता है, जिससे एनर्जी का फ्लो होता है। इस एनर्जी फ्लो के कारण ही ट्रॉफिक स्ट्रक्चर, बायोटिक डाइवर्सिटी एंड मटेरियल साइकिल मेंटेन रहते हैं। इकोसिस्टम बायोस्फीयर को स्मॉलर इकोसिस्टम्स जैसे कि टेरिस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम में डिवाइड किया गया है। इकोसिस्टम जिसमें आउटसाइड से एनर्जी एंड मटेरियल का इनफ्लो होता है, ऐसे इकोसिस्टम को ओपन टाइप का इकोसिस्टम कहा जाता है। नेचर में सामान्यतः ओपन टाइप के ही इकोसिस्टम मिलते हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे इकोसिस्टम जिनका आउटसाइड से किसी भी प्रकार का कनेक्शन नहीं होता है, या एनर्जी या मटेरियल का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है, क्लोज्ड इकोसिस्टम कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में डिवाइड किया गया है। नेचुरल इकोसिस्टम्स, इस प्रकार के इकोसिस्टम सामान्यतः नेचुरल कंडीशन में मिलते हैं। इनमें ह्यूमंस
या मानव की इंटरफेरेंस सामान्यता देखने को मिलती है, जिसके कारण ये लगातार डिस्टर्ब होते रहते हैं। नेचुरल प्रकार के इकोसिस्टम्स को निम्न क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर एक टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, नंबर दो एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम है जो टेरिस्ट्रियल कंडीशंस को बिलोंग करते हैं या रिलेटेड होते हैं। इनमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स आते हैं, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एक ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जो एक्वेटिक कंडीशन को बिलोंग करते हैं। इनको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेराइन वाटर इकोसिस्टम में डिवाइड किया गया है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को भी लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड लैंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में क्लासिफाई या डिवाइड किया गया है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम ऐसे इकोसिस्टम है जो रनिंग वाटर में मिलते हैं। इनमें स्ट्रीम्स, रिवर्स, स्प्रिंग्स इत्यादि आते हैं, जबकि लैंटिक इकोसिस्टम ऐसा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है जो स्टैंडिंग वाटर में मिलता है। इनमें लेक्स, पॉन्ड्स इत्यादि आते हैं, जबकि मेराइन वाटर इकोसिस्टम सामान्यतः ओशियंस, सी, एस्चुरीज में मिलता है। इकोसिस्टम का सेकंड टाइप है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम मैनमेड होते हैं, जिनमें ह्यूमंस की सामान्यतः इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। इस कारण ये सिस्टम लगातार डिस्टर्ब होते रहते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत क्रॉप, अर्बन, इंडस्ट्रियल, स्पेस एंड कुछ कंट्रोल बायोटिक कम्युनिटी को भी इंक्लूड किया गया है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अलावा एक और टाइप है इकोसिस्टम का, वो है स्पेस इकोसिस्टम। इस प्रकार के इकोसिस्टम भी ह्यूमन बींग्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स आते हैं। नंबर एक प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स ऐसे बायोटिक कंपोनेंट हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2, वाटर की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस में प्लांट के द्वारा सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इस कारण इन प्लांट्स को या प्रोड्यूसर्स को कन्वर्टर्स या ट्रांसड्यूसर्स भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक सामान्य इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। प्रोड्यूसर्स या ग्रीन प्लांट के अलावा एक दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म भी हैं जो प्रोड्यूसर्स के अंतर्गत आते हैं। ये हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो केमिकल्स के ऑक्सीडेशन के द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में नंबर दो है कंज्यूमर। कंज्यूमर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोड्यूसर के द्वारा निर्मित फूड को कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर्स के अंतर्गत हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, डेट्रीवोर्स इत्यादि आते हैं। नंबर एक हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स ऐसे कंज्यूमर हैं जो प्रोड्यूसर को भोजन के रूप में लेते हैं, या दूसरे शब्दों में प्रोड्यूसर्स के द्वारा निर्मित
भोजन को ग्रहण करते हैं। इनको सामान्यतः प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। एल्टन के द्वारा हर्बीवोर्स को की इंडस्ट्री एनिमल्स कहा गया है क्योंकि ये प्लांट्स को एनिमल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। कंज्यूमर्स का सेकेंड टाइप है कार्निवोर्स। ये ऑर्गेनिजम्स अदर कंज्यूमर को भोजन के रूप में लेते हैं। ये सामान्यतः हर्बीवोर्स को जब भोजन के रूप में लेते हैं तब इनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। इसी प्रकार कंज्यूमर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर को भोजन के रूप में लेते हैं उनको टर्शरी कार्निवोर्स या कंज्यूमर कहा जाता है। फूड चेन में लायन एंड टाइगर सबसे ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इस कारण इनको टॉप कार्निवोर्स कहा जाता है। कंज्यूमर्स का थर्ड टाइप है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को ही भोजन के रूप में लेते हैं। कंज्यूमर्स का फोर्थ टाइप है डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स सामान्यतः पार्शियली डीकंपोज्ड मैटर को भोजन के रूप में लेते हैं। इनमें टर्मिट्स, आंट्स, क्रैब्स, अर्थवर्म्स आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट का थर्ड कंपोनेंट और लास्ट का कंपोनेंट है डीकंपोजर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इनको माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहा जाता है। ये इकोसिस्टम में अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इनके अंतर्गत बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई इत्यादि आते हैं। डीकंपोजर इकोसिस्टम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको प्लांट के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इकोसिस्टम का सेकंड कंपोनेंट है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इत्यादि आते हैं। इस प्रकार इकोसिस्टम में बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ साथ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। इनके कारण ही इकोसिस्टम में एनर्जी एंड मटेरियल साइकिल मेंटेन रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर में कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया है। इसके अतिरिक्त मेजर स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ इकोसिस्टम्स कुछ निम्न प्रकार से हैं। नंबर एक, स्पीसीज कंपोजिशन। प्रत्येक इकोसिस्टम की स्वयं की स्पीसीज होती है जो दूसरे इकोसिस्टम से अलग होती है। नंबर दो, स्ट्रेटिफिकेशन। प्रत्येक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक या कई स्ट्रेटा या लेयर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। प्रत्येक लेयर या स्ट्रेटम में अलग अलग टाइप की स्पीसीज मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्री, बुशेज एंड ग्राउंड वेजिटेशन लेयर्स का फॉर्मेशन करती हैं। इन सभी लेयर्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की
स्पीसीज या प्लांट्स मिलते हैं। नंबर तीन, द क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल सच एज न्यूट्रिएंट एंड वाटर। इसके अतिरिक्त नॉन लिविंग मटेरियल जैसे कि न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन और क्वांटिटी भी इकोसिस्टम की कंपोजिशन में आती हैं। नंबर चार, रेंज और ग्रेडियंट ऑफ कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस सच एज टेम्परेचर एंड लाइट। टेम्परेचर और लाइट की जो एक्सट्रीम कंडीशंस अत्यधिक लो अत्यधिक हायर्स ये भी कंपोजिशन में आते हैं। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कुछ जो फंक्शन है वो निम्न प्रकार से हैं। इकोसिस्टम सभी इकोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने के साथ साथ लाइफ एंड स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। नंबर दो, बायोटिक एंड एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके मध्य न्यूट्रिएंट साइकिल चलते रहते या मेंटेन रहते हैं। नंबर तीन, सभी ट्रॉफिक लेवल के मध्य बैलेंस बनाए रखता है। नंबर चार, बायोस्फीयर में मिनरल साइकिल मेंटेन रहते हैं। नंबर पाँच और लास्ट का फंक्शन, एबायोटिक कंपोनेंट्स का यूज ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के सिंथेसिस में किया जाता है जिसके कारण एनर्जी का एक्सचेंज होता है। इस प्रकार आज के टॉपिक कंपोनेंट इकोसिस्टम में जाना, व्हाट इज इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। थैंक्स।